वेलकम गाइज, जेके लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लॉन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो गाइज, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले आपके कमेंटों के जवाब, ठीक है। आप जो जेके लॉन जॉब चैनल पर कमेंट करते हो उन सभी का जो कमेंटों का जवाब है मैं वीडियो के थ्रू देता हूँ, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। तो वन बाय वन करके कर लेते हैं। पहला हमारा कमेंट है बायोलॉजी बाय निकलेस, सर RHS DMLT कोर्स कितने साल का करवाती है? देखो RHS जो होती है ना, ये DMLT कोर्स कंप्लीट आपका 3 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगला कमेंट है सूर्य शर्मा जी का, सर BS नर्सिंग में डोमिसाइल होता है क्या? मैं राजस्थान से हूँ तो मैं क्या अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हो, आप अदर स्टेट में ऑल इंडिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो BHU में करो, आप चाहे तो हरियाणा में करो, आप चाहे तो पंजाब में करो, आप चाहे तो दिल्ली से करो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऑल इंडिया में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगला कमेंट है अनुप्रिया जी का, सर राजस्थान के फॉरम कब आएंगे? देखो जितने भी राजस्थान वाले वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है स्पेशल राजस्थान वालों के लिए, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और वो चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो राजस्थान वाले नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ चले जाओ, सारी समस्या दूर। चलते आगे, नीतू जी का कमेंट है, इन्होंने जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे तो इन्होंने आंसर देने का प्रयत्न किया। नीतू जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, ठीक है, कि इन्होंने पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन किए और मैं तो कहूँगा सिलेक्शन पक्का है ऐसे स्टूडेंट का, ठीक है, सही है, ठीक है। अगला कमेंट है ईसा जी का, छत्तीसगढ़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है मैंने तो बना दूंगा, ठीक है। अगला कमेंट है सर राजस्थान में कब होंगे BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम? जितने भी नए स्टूडेंट है उनको मैं रिकमेंड करूँगा, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, राजस्थान वालों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अगला कमेंट है एलेक्स राशन के, मैं इलाहाबाद से हूँ, KGMU का फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। KGMU का अगर नहीं आ रहा है तो आप किसी एक्सपर्ट से फॉर्म भरवा सकते हो, फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है, अप्लाई भी हो रहे हैं, तो आप किसी ऐसे से मिलो जो एक्सपर्ट हो फॉर्म भरने में, ठीक है। चलते आगे, अमित जी का कमेंट है पीस रिफंड कब होगी? पीस रिफंड हो चुकी है RHS की, जिनकी नहीं हुई है वो RHS से कॉन्टेक्ट करे, ठीक है, बहुत टाइम हो गया पीस रिफंड हुए। अगला कमेंट है विजय जी का, हरियाणा BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कब आएंगे? तो ये आएंगे अगस्त में हरियाणा में, ठीक है, अगस्त मंथ में आ जाएंगे, डोंट वरी, पंजाब में भी लगभग यही बैठेगा। हीरा लाल कुमार जी का कमेंट है, सर SMS के अलावा अदर गवर्नमेंट कॉलेज में OBC फीमेल की कितनी फीस होती है और स्कॉलरशिप भी मिलती है क्या, और कॉलेज के अलावा हॉस्टल फीस भी अलग लगती है क्या? देखिए अगर हीरा लाल जी ये वीडियो आप देख रहे हो, और सभी देखने वालों को मैं कहूँगा ध्यान से सुनना, SMS के अलावा अदर जो गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कि हमारा कोटा का हो गया, अलवर हो गया, बीकानेर वाला हो गया, है ना, अजमेर वाला हो गया, तो इनमें OBC की जो फीमेल होती है, महिलाएं होती है, गर्ल्स होती है, लड़कियां होती है, उनकी फीस कितनी होती है? तो उनकी फीस होती है यहाँ पर 21,000, ठीक है, 21,000 होती है। और स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप ST SC वालों को मिलती है, अगर आपकी कैटेगरी OBC जनरल है, OBC और जनरल, इस कंडीशन में आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए तभी मिलेगी, ठीक है, ठीक है, तभी मिलेगी। अगर आप ST SC से तो आपका पास कोई भी कार्ड नहीं है फिर भी आपको मिलेगी, ठीक है, ये कंडीशन में अप्लाई करनी होती है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, हॉस्टल फ्री होता है, ठीक है। रलाल जी आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए, तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलते आगे, मिसोजी का कमेंट है, सर BSc अच्छा रहेगा या फिर BS नर्सिंग अच्छा रहेगा? BSc वर्सेज BS नर्सिंग, सिंपल सी बात है, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, ठीक है, बट ये प्रोफेशन कोर्स है, BS नर्सिंग ये प्रोफेशन कोर्सेज नहीं है। BSc करने के बाद BSc में ओनली आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाएगी, प्रैक्टिकल नहीं दी जाएगी, ठीक है। BS नर्सिंग में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, हाथ का काम सिखाया जाएगा, ठीक है। BSc में आपकी स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, BS नर्सिंग में आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी, देखा जाए तो रात दिन का फ़र्क है, ठीक है। सो मैं रिकमेंड करूँगा, देखो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से चूज कर सकते हो, वैसे
प्रोफेशन कोर्सेज तो है, बट आप बीएससी करते हो तो आगे जाके कोई भी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि अगर मानो बीएससी करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो आप क्या करोगे, प्राइवेट में तो बहुत कम सैलरी दी जाती है। बट इधर दूसरी तरफ देखा जाए कि बीएस नर्सिंग में अगर गवर्नमेंट जॉब ही नहीं लगे ना तो प्राइवेट में बहुत सारे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, खुद का भी कुछ कर सकते हैं अपन, क्लिनिक वगैरह खोल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, चाहे तो आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो और मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो बीएस नर्सिंग करने के बाद। ठीक है, चलते आगे। गरिमा जी का कमेंट है, दिल्ली तो दिल्ली की बात करें एलएचएमसी की या फिर एम्स की, देखो दो जगह दो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं दिल्ली में, एम्स के तो नवंबर में आएंगे, डोंट वरी, एलएचएमसी के लास्ट जुलाई तक आ जाएंगे। ठीक है, दिल्ली वालों से यही कहना चाहूँगा, और दिल्ली वाले जितने भी है ज़रूर वीडियो को देखे, साउंड ऑसम। ठीक है, राजेश जी का कमेंट आ रहा अगला, बिहार का बीएस नर्सिंग कब होगा, फॉर्म तो पहले भर चुके थे जैसे आपको पता है, अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं भी नहीं हो रहे। ठीक है ना, कहीं पर भी नहीं हुए अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं पर भी, जिनके फॉर्म भर चुके वो पोस्टपोन होते होते बहुत दूर चले गए। ठीक है, तो ऐसे में अभी मुश्किल है, और जब भी आएगा ना आपके एडमिट कार्ड का मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा। ठीक है राजेश जी, चलते। सुभान जी का कमेंट है, सर महाराष्ट्र की बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट के बारे में, देखो यहाँ पर नीट के थ्रू होता है बहुत सी बार तो, ठीक है महाराष्ट्र में। पूजा जी का कमेंट है अगला, सर अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएस नर्सिंग करते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलती है क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए? देखो आप बीएस नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से करो या फिर प्राइवेट से कॉलेज से करो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फर्क ये पड़ता है कि देखा जाए तो जॉब तो दोनों लगेंगे, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट वाले लगेंगे, प्राइवेट वाले भी जॉब लगेंगे, बट एक चीज़ होती है देखो मैं आपको बताऊँ, जिसको बोलते प्लेसमेंट, ये चीज़ आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही मिलेगी प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ मायने रखती है, और स्किल ये भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज से डेवलपमेंट होगी, तभी तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज से बीएस नर्सिंग करो, नंबर लेके आओ, है ना। गवर्नमेंट जॉब तो वैसे दोनों में लगेंगे, बट स्किल भी तो ज़रूरी है, प्लेसमेंट भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये फ़र्क है बहुत बड़ा। चलते आगे, सर KGMU बीएस नर्सिंग का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, उसकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, किसी एक्सपर्ट से जाके हाँ मिलो, जो भी फॉर्म भरता हो वो आपको बता देगा। ठीक है, अगला कमेंट है, यूपी में बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा? जी बिल्कुल। अगला कमेंट है अशोक यादव जी का, सर सफाई कॉलेज ऑफ के फॉर्म कब निकलेंगे? अभी नहीं निकलेंगे, अभी COVID-19 के कारण डीले आएंगे। ठीक है, हिमानी जी का कमेंट है, यूके का भी बताओ सर, यूके का ऊपर वीडियो बनाया मैंने, यूके उत्तराखंड के ऊपर जाके देख सकते हो। ठीक है, उत्तराखंड के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया था मैंने, लास्ट जुलाई तक इसके चांसेज है। ठीक है, तैयारी करने के लिए MCQs करो जितना हो सके, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। अगला कमेंट है, बिहार, बिहार में अभी डीले होगा। ठीक है, सविता जी का कमेंट है, सर राजस्थान में कब भरे जाएंगे फॉर्म 2020 में? देखो इसके फॉर्म तो सितंबर में भर रहे जाएंगे, बट अगर आप चाहते हो कि फॉर्म कब भरेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम किस प्रकार का होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ कितनी रहती है, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए ना ब्रीफली, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राजस्थान वालों के लिए, जाके देख लो उस वीडियो को, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माया जी का कमेंट है, सर केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाइए। जी बिल्कुल। रीति जी का कमेंट है, यूपी का कब आएगा? यूपी का भी KBHU का भरा जा रहा है, आप भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो अदर एग्ज़ाम आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा जब आएंगे। मनीष जी का कमेंट है, बीएस नर्सिंग हम बिहार से हूँ। देखो यार, बिहार में ऑलरेडी पहले फॉर्म भर चुके हैं, अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम बकाया है। ठीक है, तो जब भी होगा आपको मिल जाएगा। अगला कमेंट है, संदीप यादव जी का, RHS के बारे में क्या, RHS के सितंबर में आएंगे, अगर आपको ब्रीफली डिस्कस चाहिए राजस्थान के बारे में, RHS के बारे में, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जाके देख लो। ठीक है, अगला कमेंट है, राजस्थान छुट्टी और किसान यहाँ पर सितंबर में आएंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, ब्रीफली डिस्कस। ठीक है, कृष्ण कुमार राजस्थान का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ देख लो वीडियो। गुजरात में, गुजरात के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, बना दूंगा। ठीक है, धीरेज जी का कमेंट है, राजस्थान, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जाके देख लो। ठीक है, बीएस नर्सिंग वाले क्लिनिक खोल सकते हैं, राहुल जी का कमेंट है, खोलना चाहे तो क्या? बिल्कुल खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, बीएस नर्सिंग वाले क्लिनिक खोल सकते हैं।
ठीक है, क्लिनिक खोल सकते हैं, यहाँ तक कि अपना हेल्थ केयर सेंटर खोल सकते हैं, है ना। चलते आगे, सर BHU और KGU में से कौन सा बेस्ट रहेगा? BHU बेस्ट, बेस्ट प्रायोरिटी, उसके बाद KGU, ठीक है। अगला कमेंट है संजू वर्मा जी का, राजस्थान का बताओ। राजस्थान का अगर आपको जानना है, एक्चुअल में जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, बहुत ही अच्छा वीडियो है, पूरा शानदार समझ में आ जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। और चैनल को भी देख लेना फिर वहाँ। अगला कमेंट है सर, वेस्ट बंगाल बिजनेस एग्ज़ाम कब होंगे? अभी COVID-19 चल रहा है तो आपके एग्ज़ाम डिले होंगे, जब भी होंगे आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। अगला कमेंट है सर, उत्तराखंड बी एस नर्सिंग का बताओ ना, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, उत्तराखंड के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लो, ठीक है। विकास जी का कमेंट है सर, SMS कॉलेज राजस्थान में एडमिशन कैसे ले, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जाके देख लो, मैंने सबके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप देखते नहीं हो, ठीक है। नर्सिंग करने के लिए कितने पैसे लगते हैं? देखो ये डिपेंड करता है, अगर आप प्राइवेट से करते हो तो आपके खर्चा आ सकता है 70 से 150, यानी कि 70,000 से 150,000 तक का प्राइवेट। गवर्नमेंट की बात करें तो आपके मिनिमम फ्री से लेकर 50,000 तक खर्च आ सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कॉलेज फैसिलिटी के ऊपर। अगला कमेंट है BRC BS नर्सिंग का फॉर्म कब आता है? देखो बिहार में तो ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं, ठीक है, इंट्रेंस एग्ज़ाम होना बकाया है। चलते आगे, UP वाराणसी से तो BHU का भर दो। अर्चना जी का कमेंट है GNT PNST का नहीं आया, इनका तो बहुत बड़ा फंड है GNT ST का, तो PNST का, तो क्योंकि पिछले साल की सीटें वैकेंट है भी, तो पहले उनको भरा जाएगा। अंजू कुमारी, राजस्थान में कब आएंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, जितने भी राजस्थान वाले वीडियो देख रहे चले जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राजस्थान का, उस पर क्लिक करके फिर समझो, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। संजीव यादव, UP में फॉर्म कब आएंगे गवर्नमेंट कॉलेज का? जब भी आएंगे आपको मिल जाएंगे, UP में अभी PHU के आप भर सकते हो ऑनलाइन, अभी प्रेजेंट टाइम पे हो रहे, ठीक है। संजय सर, हरियाणा रोहतक के कब आएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम? ये आएंगे अगस्त में, ठीक है। चलते राजस्थान में बेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम, देखो राजस्थान वालों में सितंबर में आएंगे, बट फुल इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाओ राजस्थान वाले, राजस्थान के बहुत सारे कमेंट है, तो राजस्थान वाले जितने भी वीडियो देख रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ठीक है। स्पेशल आपके लिए सारे डाउट ही, मतलब राजस्थान वालों के लिए अलग से चैनल है, ठीक है। तो ये वीडियो भी लंबा हो रहा है, और जितने भी राजस्थान वाले हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, उत्तराखंड वाले भी चले जाओ, स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उनको देख लो, ठीक है। यूपी में जब भी आएंगे आपको मिल जाएंगे, यूपी में भी BHU का ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, तो आप अप्लाई कर दो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। कमेंट या पंजाब का है तो पंजाब में अगस्त में आएंगे, ठीक है, हरियाणा पंजाब में डिले आएंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो इस प्रकार से कमेंट कर दिया करो, मैं इसी प्रकार से आपका सॉल्यूशन निकाल दूंगा, ठीक है। एक कमेंट और है यहाँ पर प्रिया जी का, सर प्लीज़ बताओ ना, राजस्थान में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म कब भरे जाएंगे? सितंबर में भरे जाएंगे, ये भी आप नीचे देखो। राजस्थान वाले, जितने भी राजस्थान वाले नर्सिंग करना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन से ले जाओ, ठीक है। झारखंड के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अहमद जी का कमेंट है, दीपक जी का कमेंट है, राजस्थान बिजनेस फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? तो सितंबर में होंगे, बट आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारे कमेंट है, ये राजस्थान के ऊपर ही है, तो राजस्थान वाले नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ चले जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो इसी प्रकार से कमेंट कर दिया करो, आपके हर कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक हो गया हमारा, इसके नीचे फिर देख लेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कमेंट करो जितना हो सके, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, है ना, ताकि सबको पता लग सके, साल बर्बाद ना हो। तो राजस्थान वाले चले जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में, और उत्तराखंड वाले भी, ठीक है।